हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जय माता की। और नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए जय माता की। और यही से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो यहाँ देखिए, ये है मावस वाले दिन का वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो थोड़े से लेट हो गए हैं, तो बस ये है मावस वाले दिन का वीडियो है। आधा मावस वाला दिन है, तो आधा इसमें मतलब नवरात्रि वाला दिन है। तो मैं नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो ये मावस वाला दिन है, तो मैं खाना बना रही हूँ किचन में। फ्रेंड्स, तो खाने में बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। मतलब कई तरीके के मैंने सब मतलब सामान बनाया है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया था और मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का वीडियो को। तो यहाँ पर मैं अब करके मैंने डाला है वीडियो। तो यहाँ देखिए, सब्ज़ी को मैंने बनाने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ मसाले को लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और टमाटर और मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं कुकर में, और अब छोले भी डाल दिए हैं, तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मीठे में बनाए हैं मैंने, जो जवे होते हैं दूध वाले, वो बनाए हैं जवे। तो मीठे में ये तैयार हो गया है। थोड़े से बनाऊँगी पनीर के पकौड़े, और ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी, और कचौड़ी बनाऊंगी थोड़ी सी। तो बस यही थोड़ा थोड़ा मैंने सामान बना लिया था खाने का। और आज मतलब 16 पत्ते पड़ने थे, तो पूरे तो हमारे घर में मतलब सभी डालते हैं, लेकिन ये काम सभी को करना चाहिए। वैसे जितनी श्रद्धा है सभी को करना चाहिए, और किसी का लगे या ना लगे वो भगवान के ऊपर है, लेकिन हम सबको ये काम करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, जितनी हमारी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए ये सारे काम। और यहाँ देखिए, तो बस हम ये नहीं है हमारी कोई हमारे ऊपर किसी का कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं हमसे, और वो भी ये काम करते हैं और हम भी करते हैं ये काम। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, मन को शांति सी मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही करेंगे या फिर घर में छोटे हैं वो ही करेंगे, ये सब काम ये सारे काम सभी को करने चाहिए। तो बस यही सोच कर हम करते हैं। और यहाँ देखिए, खाने का मैंने पिट्ठी बना ली है कचौड़ियों की, और ब्रेड पकौड़ों भी इसी में से सीख दूँगी मैं। तो बस धीरे धीरे यही काम से मैं लगी हुई थी, और इतना बिजी रूटीन चल रहा है कि मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। और एक दिन क्लिनिक में लग गया मुझे, और एक दिन क्लिनिक वाली वीडियो भी मैंने अभी तक नहीं डाली है इसमें, और सोच रही हूँ मैं कल या परसों में डाल दूँगी वो वाली वीडियो भी। तो बस इस तरह से बहुत ज़्यादा हेडेक सा दिन हो जाता है। तो यह सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और सबसे पहले सीखूँगी मैं पकोड़े, और जो ब्रेड पकोड़े बनाने हैं वो सीखूँगी, उसके बाद पूरी कचौड़ी जो भी है वो बनाऊँगा। और खाने के बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और इस दिन मतलब, और अगले दिन से थे नवरात्रे, तो सारा कुछ मैंने कम कम ही बनाना था, क्योंकि कोई खाता नहीं है। जो बासी खाना हो जाता है उससे कोई खाता नहीं है, तो बस यही सोच कर मैंने थोड़ा कम खाना बनाया था, मतलब जितना हमें चाहिए। और यहाँ देखिए, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने बेसन को घोल लिया है ब्रेड पकौड़ों के लिए, और पकौड़ों के लिए पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने पनीर को साइड में कट करके रख लिया था, तो मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेसन जो है पतला रह गया था, तो वो जो है अलग अलग बिखर रहा था, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया जाए, बट कोई नहीं, वो ठीक हो गया था बाद में। तो पकौड़े जो हैं वो ठीक बन गए थे। तो यहाँ पर बना लेती हूँ मैं, सारा काम कर लेती हूँ धीरे धीरे, और पकौड़े कचौड़ी वगैरह सब कुछ सेक लेती हूँ। और आप, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और हमारा सपोर्ट करिए। न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो देखते बने रहिए इस वीडियो में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है सारा खाना बना लिया है। ब्रेड पकौड़े, पनीर के पकौड़े, पूड़ी, कचौड़ियाँ, ये सब सेक लिया है। तो मैंने मतलब खाना पत्तों पे डालने के लिए तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पूड़ियों के टुकड़े कर लिए हैं और इनके इन पे जो खाना बनाया है, सब्जी वगैरह, खीर, पूड़ी, सब ये रख दूँगी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े, और पत्ते ऊपर ही बिछा लिए हैं पहले ही। तो इनको मैं तैयार कर लेती हूँ पहले खाने को, और उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता दूंगी। तो पहले ये पूजा पाठ का काम कर लेते हैं, और सबसे पहले ही घर में पूजा पाठ का काम होता है, उसके बाद में कुछ और होता है। तो टाइम तो बहुत हो गया था, लेकिन ये है कि सारा काम तो करना पड़ता ही। तो ये देखिए सारा कुछ मैं धीरे मतलब ज़रा ज़रा से थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख रही हूँ मैं, सारा कुछ। और सब्जी भी रख ली है, खीर बनाई थी जवी वाली तो वो भी रख ली है मैंने, और पूड़ी, कचौड़ी और पकौड़े सब रख लिए हैं इनमें। और बाद में मैं आपको थाली लगा कर दिखाऊँगी कि क्या क्या कैसे बना है, कैसे कैसा नहीं। तो मैंने अभी ढंग से कुछ भी नहीं देखा है, तो बना लेती हूँ मैं इनको, कर लेती हूँ पूजा का काम पहले। मुझे बनाना था और खाएंगे तो हम बाद में सेक लेंगे, लेकिन जो खानी होंगी तो गरम गरम पूड़ियाँ ही सेक लेंगे। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ हस्बैंड को नाश्ता करके, और उन्हें भी, क्योंकि ऑफिस जाना है तो देर हो जाएगी। तो बस, और पूजा पाठ का सारा काम हो चुका है, और यहाँ दे देती हूँ नाश्ता में, और पूड़ी, कचौड़ियाँ और ब्रेड पकौड़े, और जो भी बनाए हैं मैंने, और आप देख सकते हैं मैं खाना एक थाली लगाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनाया आज का खाना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा तैयार हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए कचौड़ी बनाई है, पूड़ी बनाई है मैंने यहाँ पर, और ये हैं ब्रेड पकौड़े आलू भर के, और ये पनीर के पकौड़े, और ये है आलू और टमाटर की सब्ज़ी, और ये है छोले की सब्ज़ी, और बनाई है मैंने जवी वाली खीर। और मतलब बहुत ही यम्मी और टेस्टी खाना बना है ये, और देख सकते हैं आप खाने में मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब खुशबू आ रही थी और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा था ये खाना। आपको कैसा लगा ये वीडियो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स, और लग गई थी थोड़े से बर्तन मांजने के लिए, और किचन बहुत ज़्यादा फैला रहा हो गया था। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है, तो कोई नहीं, बट करना पड़ता है सारा काम। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ बर्तनों की क्लीनिंग, और सारी किचन को फैला रहा जो हो रहा है उसे सुलगा लेती हूँ, और गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। गैस ही बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी सी हो गई थी, तो वो भी बहुत, उसमें भी बहुत देर लगाई थी क्लीन होने में। और वैसे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है किचन की, मावस तक मैंने क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन मैंने उस कबीर को नहीं डाल पाई। तो देखते हैं कब तक आएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। तो देखते हैं
कब तक आ पाता है, तो सारे कर लेती हूँ बर्तन साफ। बहुत अच्छे अच्छे से खाना खा पी लिया है सबने, और कम पड़ेगा तो बाद में हम बना खा लेंगे। तो लगा देती हूँ, बर्तन सारे क्लीन हो गए थे। वैसे मैंने पहले ही साथ साथ बर्तन क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा नहीं होते बर्तन, और थोड़े से बर्तन हो थे तो मैंने वो कर दिए हैं क्लीन। और जब सिंक, क्योंकि छोटा किचन है तो परेशानी होती है कोई भी काम करने में, लेकिन अगर हम साथ के साथ करते रहें तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो मिलती हूँ अगले दिन आपसे, और नाइट वैसे शाम का टाइम हो चुका है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और आज है नवरात्रा, पहला नवरात्रा है आज, और जय माता की। देखिए मेरे पूजा वगैरह सब हो चुकी है फ्रेंड्स, और मंदिर भी होकर मैं आ गई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। व्रत रखा है मैंने, फास्ट रखा है आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति सी मिल रही है व्रत को रख के। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबका कल्याण करे। और आप लोगों ने किस किस ने व्रत रखा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो जो फ्रेंड मेरे वीडियो पर आते हैं बताइएगा प्लीज़। और अब मैं पीऊँगी चाय, चाय बना कर लाई हूँ मेरी, वो रखी चाय, तो पी लेती हूँ मैं चाय बैठकर। और सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है, पता नहीं क्यों, तो पी लेती हूँ मैं चाय फ्रेंड, और बालों को बांध लेती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट मैं इवनिंग में मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज फास्ट है, तो मेरा मैं बना रही हूँ ये साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने को मैंने तैयार कर लिया था फ्रेंड्स पहले ही, फूलने के लिए रख दिया था। और टमाटर हरी मिर्च और बॉयल किए हुए आलू इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और मूँगफलियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने मूँगफली नहीं ऐड करी इसमें। और बस मैं सादे सिंपल तरीके से ही साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है ये फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में बनाकर देखिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और नमक डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, और बनकर मेरी यम्मी सी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो बस मैंने यही खाई थी और कुछ नहीं इवनिंग में। तो इसको मैं बर्तन में करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही यम्मी टेस्टी सी बनी थी ये। और मिक्स कर दिया है मैंने इसको, तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है साबूदाने की खिचड़ी। इस नवरात्रे में आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।